वीडियो बात पता चलेगा कि असल मुद्दा क्या है फिर करते हैं जय हिंद दोस्तों मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट दोस्तों पाकिस्तान ने फिर ड्रामा करा है जम्मू और कश्मीर को लेके और भारत ने फिर से एक बार पाकिस्तान के कपड़े फाड़ दिए मुझे समझ नहीं आता कि हम पाकिस्तान के कपड़े क्यों फाड़ते रहते हैं वो बेशरम लोग हैं बदतमीज लोग हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान में कहावत है दोस्तों एक कहावत है कि इज्जत आने जाने वाली चीज है बंदे को ढीट होना चाहिए तो पाकिस्तानी भी यही समझते हैं कि इज्जत जो है वो आने जाने वाली चीज है भारत जब तक बेजती करता रहेगा पाकिस्तान रेलिवेंट रहेगा क्योंकि और तो कोई पाकिस्तान के साथ एंगेज करना ठीक नहीं समझता शहबाज शरीफ को कुछ आठ दस मुल्कों ने कॉन्ग्रेचुलेट करा है मोदी जी ने भी बड़ा सूखा सा ट्वीट भेजा वेस्टर्न कंट्रीज ने उसको बिल्कुल लिफ्ट नहीं दी तो पाकिस्तान आइसोलेटेड है आपको पता लग जाता जब पाकिस्तान में एक सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक प्रोसेस सो कॉल्ड वोटिंग सो कॉल्ड इलेक्शन के बाद एक बंदा प्रधानमंत्री बनता है और दुनिया से अभी तक तो सौ से ऊपर देशों का आ जाना चाहिए था कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस नहीं आए यह पाकिस्तान की खुद की हरकत है और अरब भी पाकिस्तान से बहुत परेशान है इनके पास एक बार गलती से चोरी का मांगे तांगे का एटम बम आ गया और यह बन गए आलम इस्लाम के लीडर इनका फुल स्टॉप ही नहीं लग रहा इनके ऑफ के स्विच ही नहीं है पाकिस्तान और इसलिए अरब इनसे परेशान है एक हाथ में तुम्हारे एटम बम है दूसरे हाथ में तुम्हारा कटोरा है जिससे तुम भीख मांगते हो और अरब इनसे कहते हैं कि भाईजान अपने मामले दुरुस्त करो तुम कहते हो तुम्हें आलम इस्लाम का लीडर बनना है और रोज तुम भीख मांगने निकल जाते हो शहबाज शरीफ ने क्या बोला है शहबाज शरीफ ने इनोग्रेशन हुआ उसका उसने ओथ लिया प्राइम मिनिस्टर और सबसे पहला हुक्म क्या था आई के पीछे पड़ जाओ सबसे पहला हुक्म शहबाज शरीफ का आई के पीछे पड़ जाओ चेज आई एम के पीछे पड़ जाओ पैसा लाओ छह नहीं तो आठ अरब डॉलर कहीं से निचोड़ के, खींच के लूट खसोट के वापस लाओ ये पहला आई एम नॉट जोकिंग आपको लग रहा होगा मेजर मजाक कर रहा है भाई आप जाके चेक कर सकते हो दिस वॉज द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ शाबाज शरीफ जाओ खींच के लाओ जरा पैसे खींच के लाओ अब मैं आपको बताता हूं मैटर क्या हुआ पाकिस्तान ने यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल पे फिर जम्मू और कश्मीर का मामला उठाया भारत की अंडर सेक्रेटरी जगप्रीत कौर जगप्रीत कौर जी हैं वो भारत के अंडर सेक्रेटरी हैं उन्होंने इंडिया का जो राइट ऑफ रिप्लाई है उसको एक्सरसाइज करते हुए बोला है कि पाकिस्तान ये ओ के जैसे प्लेटफॉर्म है इनको मिस यूज करता मैंने बोला ना आलम इस्लाम वाले और अब परेशान है क्यों परेशान है पाकिस्तान को जब भी आप बुलाओगे किसी भी मैटर में ठीक है वो कॉन्फ्रेंस पानी के मामले में वो खाने के मामले में हो या फूड सिक्योरिटी के मामले में एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में वो कश्मीर की बात करते उसके पास और कोई मैटर है ही नहीं और मुस्लिम दुनिया जो कि भारत से बेहतरीन रिश्ते बना रही है मुस्लिम दुनिया ने हाथ जोड़ ली और बोला पाकिस्तान से कि यार हमें माफ कर दो यार हमें माफ कर दो और यही चीज भारत के कश्मीरियों ने भी बोल दिया पाकिस्तान को कि भाईजान हमें माफ कर दो हमारे लिए आवाज उठाना बंद करो मैं आपको बताता हूं भारत के मेरे बड़े कश्मीरी है ना मेरे बड़े दोस्त हैं मैं आपको बताता हूं उनका माइंडसेट मैं आपको कश्मीरियों का माइंडसेट समझा देता हूं और यह बात मेरे कश्मीरी दोस्त ने बताई मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि आप लोग शायद उसको जानते हैं आप शायद उस बंदे को जानते हैं तो मैं उसका नाम उस आदमी का नाम आपको बताऊंगा नहीं ही इज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड एंड ही इज अ कश्मीरी मुस्लिम गाय उसने बहुत पहले मुझे आज की बात नहीं तीन चार साल पहले की बात है उसने मुझे बोला था कि मेजर साहब बात ही होती है ना कि अगर मैं शरीफ हूं और मेरी गारंटी को चोर ले रहा है तो लोग मुझे भी चोर समझेंगे मुझे भी बुरा समझेंगे क्योंकि आप जिस कंपनी में उठते बैठते हो लोग आपको वैसे ही जज करते हैं तो मैंने उससे पूछा कि आपका मतलब क्या है कहने का कहता पाकिस्तान कहता है कि वो कश्मीरियों के लिए खड़ा हुआ है अब आप समझ लीजिए मैं शरीफ आदमी कोई चोर कहे कोई डकैत कहे कोई लुच्चा लफंगा ये कहे कि मैं आपके लिए खड़ा हूं मैं आपके साथ खड़ा हूं तो समाज तो मुझे उल्टा बोलेगा ना कि भाई तेरे दोस्त कैसे हैं जो तेरे लिए गारंटी ले रहे हैं वो लोग कैसे हैं उनका इखलाक क्या है उनका कैरेक्टर क्या है उनकी मॉरालिटी क्या है तो उस बंदे ने फिर मुझे बोला हम लोग श्रीनगर में थे तब उस बंदे ने मुझे बोला कि मेजर साहब मैं तो पाकिस्तानियों के सामने हाथ जोड़ रहा हूं और कहता हूं यार तुम अपने मामले ठीक करो यार हमें अपने हाल पे छोड़ दो वी आर वेरी हैप्पी हियर वी डोंट वांट एनीथिंग टू डू विद पाकिस्तान क्योंकि तुम्हारी वजह से उसका लॉजिक था ये ये जो उसने मुझे लॉजिक दिया उसने मुझे यह बोला जो मेरा कश्मीरी मुस्लिम फ्रेंड है उसने बोला कि मेजर साहब देखिए ही सेट दैट कि ये हमारे साथ जब अपने को जोड़ते हैं जब पाकिस्तानी कश्मीरी मुसलमानों को पाकिस्तान के साथ जोड़ते हैं तो हमारी रेपुटेशन खराब होती है क्योंकि ये तो चोर है ये डकैत हैं ये लुच्चे हैं ये हमारे लिए जब गवाही देते हैं या हमारे साथ खड़े होने का दावा करते हैं तो लोग हमें गलत नजर से देखते हैं आज की तारीख में दोस्तों पाकिस्तान कितना भी कहले कश्मीर कश्मीर लेकिन फैक्ट ये है मैं पाकिस्तानियों को चैलेंज कर रहा हूं मैं चैलेंज कर रहा हूं पाकिस्तानियों को आज की तारीख में पूरी 25 करोड़ की कौम को कैमरा लेकर जाओ और यह बताओ कि तुम्हारे सो so कॉल्ड आजाद कश्मीर जो कि एक्चुअली पीओके है पाकिस्तान कश्मीर को आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हो ना जाओ कैमरा लेके कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स गए भी थे मैं चाहता हूं और जाए दस पंद्रह बीस पच्चीस और जाए और वहां पर जाके जरा कश्मीर में ठीक है जो ऑक्युपाइड एरिया है जो पीओके है आप पीओके में जाओ और वहां की आवाम के मुंह के सामने माइक लगाओ और यह पूछो कि भाई पाकिस्तान तो आपको आजाद कश्मीर बोलता है आप कितने आजाद हैं बस एक सवाल पूछना आप कितने आजाद हैं यह बता देना आप खुद उनसे पूछो ना उन्होंने गालियां दी ना उन्होंने भद्दी भद्दी गालियां दी इन लोगों को ठीक है तब इनको पता लगेगा आटे दाल का भाव इन्होंने अपने जो ऑक्यूपाइड एरिया है दोस्तों पीओके गिलगिड बाल्टिस्तान इन्होंने ढंकी एक सड़क नहीं बनाई मैं आपको बताता हूं वहां पर की एक सड़क नहीं है मुझे सारी इंफॉर्मेशन है वहां की आई टॉक टू पीपल देयर ऑफ एंड ऑन वो लोग लंडन भी जाते हैं मेरी बात होती रहती है वो घर जाते हैं अपने खास तौर से मीरपुर और मुजफ्फराबाद के बहुत सारे बंदे हैं वहां पे बहुत सारे राइट और वो लोग कहते हैं कि मेजर साहब ढंग का स्कूल नहीं है ढंग की यूनिवर्सिटी नहीं है और चोरी फुल है करप्शन फुल है वहां का जो आई है जो सबसे बड़ा पुलिस काउदेदार उसको तक इस्लामाबाद अपॉइंट करता है वहां का जो सेक्रेटरी है जो चीफ सेक्रेटरी जो भी उनका है वो इस्लामाबाद अपॉइंट करता वहां है वहां यार। वो के लोग ही नहीं है आप बता दो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हो कोई गिलगट बल्टिस्तान में ढंका या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड तुम कहना चाहते हो ना आजाद कश्मीर कहते हो ना पाकिस्तानी तुम यू कॉल इट आजाद कश्मीर तुम वहां पर ढंकी यूनिवर्सिटी बनाओ वर्ल्ड क्लास अस्पताल बनाओ वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाओ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाओ ये सब कुछ बनाओ तुम्हें आजाद कश्मीर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी पूरी दुनिया उसको आजाद कश्मीर बोलेगी पीओके कोई नहीं बोलेगा कोई नहीं बोलेगा तुम्हारी हरकतें है ऐसी हैं चोर हो तुम लोग उचके गए क्या अब सुनो भारत ने फिर से पाकिस्तान के कपड़े उतारे और बोला कि पाकिस्तान इज वर्ल्ड टेरोरिज्म फैक्ट्री जो कि सच है जो कि सच है परवेज मुशहर खुद कहता है कि ओसामा बिन लादेन हीरो है पाकिस्तान का राइट right? ओसामा बिन लादेन हीरो है ये आ, इसको वो आ, साहब बोलता है वो क्या नाम कहते हैं शाह महमूद कुरैशी हाफिज सईद को साहब करके बोलता है ओसामा बिन लादेन को ये जो इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर था वो कहता था वो शहीद को बोलता था उसको उसको शहीद का दर्जा वहां पर मिल रखा है तो जब तुम्हारे हीरोज ऐसे चोर हैं पाकिस्तानियों के आज के हीरो चोर नहीं है इनके परमानेंट हीरो ये दुरानी है ठीक है जी गजनवी गौरी जो इन्वेडर थे यहां पे मंदिर तोड़ने आए थे मंदिर लूटने आए थे मैं बताता हूं पाकिस्तानी हो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे मुल्क का बेड़ा घर क्यों रखा है ये सुन लो जो तुम्हारे हीरोज है ना तुम्हारे हीरोज चोर थे तुम्हारे हीरोज उचक के तुम्हारे हीरो डकैत थे और तुम्हें बड़ा अच्छा लगा जबकि तुम्हारे बाप दादा उस वक्त हिंदू थे और तुम्हारे बाप दादाओं के ऊपर जुलम करा इन लोगों ने तब तुम्हारे ये हीरो हैं तुम्हारी जो मिसाइलें हैं गौरी गजनवी बाबर ये कौन था बाबर चोर था बाबर दो कौड़ी का बंदा था वहां से जूते पड़े अपने रिश्तेदारों से भाग भाग के इंडिया आया इब्राहिम लोधी को उसने लड़ाई में हराया है 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर और इब्राहिम लोधी की लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान था वो भी चोर था उस वो, वो भी बाहर से आया था बाबर बड़ा चोर था बड़े चोर ने छोटे चोर को हरा दिया जब तुम्हारे हीरो चोर हैं जब तुम्हारे हीरो डकैत हैं जब तुम्हारे हीरो औरंगजेब जैसे हैं जो कि एक टके का चोर नहीं ठीक है जेबें काटना लोगों की चेन है मोबाइल फोन छीनता होगा उस जमाने में तो मोबाइल फोन नहीं थे लेकिन औरंगजेब पक्का चिंता होगा अगर मोबाइल फोन होते होंगे तो ठीक है घोड़े पे आया किसी का मोबाइल लेकर चला गया अट्टा बाजार से लेफ्ट मारा उसने खट से निकल गया डीएनडी पे यही काम करता होगा वो औरंगजेब उस टाइम पे घोड़े पे मोबाइल फोन चोरी करता होगा तो यार यही मैं कह रहा हूं जब तुम्हारे हीरो चोर हैं तो तुम कैसे बनोगे यार तुम अच्छे कैसे बन सकते हो पाकिस्तान में इतने अच्छे अच्छे लोग दोस्तों मैं एक बात बता देता हूं ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान में सभी एक ही जैसे हैं पाकिस्तान में इतने बढ़िया बढ़िया लोग हैं जो पैदा हुए और कहीं पर पैदा हुए मतलब दे डाइड इन पाकिस्तान राइट ये पाकिस्तानी उनको ओन उन नहीं करते राइट फैज अहमद फैज इतना बड़ा नाम ये उसको ढंग से ओन नहीं करते राइट हबीब जालिब इतना बड़ा नाम ये उसको ढंग से बाबा बुल्ले शाह ये उसको ढंग से ओन नहीं करते ढंग से ओन नहीं करते पाकिस्तान ये किसको ओन करते हैं बाबर औरंगजेब जिसने मतलब हिंदुओं के साथ जिसने अत्याचार करा जिसने ज्यादती करी वो इनका हीरो है इनका जो वो नोबेल प्राइज विनर था वो साइंटिस्ट मैं नाम ही भूल जाता हूं उसका बेचारे का अहमदी था जो ये उसको ओन नहीं करते मैं ये नहीं कह रहा तुम शहीद आजम भगत सिंह को ओन करो तुम्हारी औकात नहीं है भगत सिंह जी को ओन करने की तुम्हारी औकात नहीं है मैं ये नहीं कह रहा कि तुम महाराजा रंजीत सिंह को ओन करो तुम्हारी औकात नहीं है महाराजा रंजीत सिंह को ओन करने की वो बहुत बड़ा नाम है यार तुम्हें हजम भी नहीं होगा वो तुम छोड़ दो तुम अपने बंदों को जो तुम्हारे जो तुम्हारे जिंदगी में पैदा हुए थे तुम्हारे सामने जिनको तुमने देखा तुम उनको ओन उन नहीं करते ये देखो और यहां पर पाकिस्तान की जो आर्मी है वो बड़ा परेशान हो रही है और पाकिस्तान की फौज ये कह रही है यार कि पता नहीं क्यों लोग ऐसा कह रहे हैं इनका देखो 263rd थर्ड कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान को बने हुए छिहत्तर साल हुए 76 सिक्स पता नहीं 263rd थर्ड कोर कमांडर को एक साल में पता नहीं कितनी बार मिलते हैं कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस के लिए ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी स्टॉबरास एक्सप्रेस डिसमेट सेगमेंट ऑफ पॉलिटी एंड सोशल मीडिया फॉर मलाइनिंग दी आर्म्ड फोर्सेस विथ अनसबस्टेंशिएटेड एलिगेशन ऑफ इंटरफेरेंस यानी कि पाकिस्तानी आर्मी का बड़ा दिल टूटा है और लोग सोशल मीडिया पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी ने इलेक्शन चोरी कराए यार एक बात बताओ आप कह रहे हो खबर झूठी है आप कह रहे हो खबर झूठी है अगर यह खबर झूठी भी है जो कि नहीं है यह खबर सच है लेकिन अगर यह खबर झूठी भी है फिर भी समझ लो कि आपकी आवाम कितना थूकती है आपके ऊपर भारत में कभी ऐसा हुआ है आप बताओ कि किसी ने उठ के बोला होगा कि इंडियन आर्मी ने इलेक्शन मैनेज करें हुआ है कभी एक बार हुआ हो किसी के मुंह से गलती से ख्वाब में भी निकलाओ सपने में भी ऐसा निकला हो कि इंडियन आर्मी ने इलेक्शन मैनेज करें एक बार हुआ तो बता दो मैं एक बार किसी ने बोला तक हो कि इंडियन आर्मी ने ऐसा कोई यार देखो सुनो पाकिस्तानी आर्मी हम तो कहते हैं ये अपने हम इस्लामी मुल्क हैं हमारे पास वो क्या है जज्बाए ईमानी हैं जज्बे वाली कौम हैं ये सब कहते कहते ये लोग क्या है कि ये अपने मार्केटिंग में इतने बह गए पाकिस्तानी कि सच और झूठ का अब इनको पता नहीं लग पा रहा पाकिस्तानियों को पता ही नहीं सच क्या है झूठ क्या है दे डोंट नो केयर उनको कोई दो रुपए का फर्क नहीं पड़ रहा ठीक है पाकिस्तानी को ये बस जज्बाई ईमानी है कलमा पढ़ के को ये चार पांच इनको चूरन सिखाया गया चूरन लपेट के खाते रहते हैं आज की तारीख में तुम्हारी फौज ने इंटरफेयर करा है तुम्हारी फौज ने इलेक्शन मैनेज करे हैं जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले थे वो बंदा आज जेल में बैठा है मैं इमरान खान की बात कर रहा हूं और शहबाज शरीफ एक कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट है ठीक है बिकॉज नवाज शरीफ वॉट एवर द केस में भी उसने मना कर दिया मैं पीएम नहीं बनना चाहता हो सकता है फ्रैक्चर्ड मैंडेट पर हो पीएम ना बनना चाहता हूं उसका नाम बड़ा खराब हो गया हो लेकिन ठीक है इट्स ऑल राइट दैट इज पाकिस्तान फॉर यू ये जज्बाए ईमानी कलमा पढ़ के मुल्क बना ये सब झूठी बातें हैं यार ये सब झूठी बातें मैं बता रहा हूं आज की तारीख में इनका आर्मी चीफ कह रहा है जनरल आसिम मुनीर की यार बड़ा बुरा हो गया हमारे साथ और हमें ब्लेम कर ब्लेम नहीं कर रहे वो सच बोल रही है पाकिस्तान की अवाम कह रही है तुम लोग चोर हो यार अगर तुम लोग कुछ नहीं करते अगर तुम लोग कुछ नहीं करते तो पाकिस्तानी अवाम पागल है जो तुम्हें बोलती तुम बैठ जाते अपनी बैरिक्स में रावलपिंडी तो में, रावल में जीएचक्यू में बैठे रहते कहते यार इलेक्शन जो हो रहा है हो रहा है हमें कोई लेना एक ना लेना दो हमें दो कौड़ी का फर्क नहीं पड़ता बनने दो इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर यार बनने दो किसी को जो बनता है बनने दो हमारा कोई लेना देना नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर होगा जिसको पाकिस्तानी आवाम चुन के वजीर आजम बनाएगी आर्मी चीफ जाके उसको सल्यूट करेगा बोलेगा सर आई एम आर्मी चीफ आप बताइए आपका क्या हुक्म है कहानी खत्म दैट इज हाउ इट वर्क इन एवरी डेमोक्रेसी आपने इलेक्शन इंजीनियर करे आज की तारीख में लोग थूक रहे हैं और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि अभी तक पाकिस्तान राइट इसके पास करीब सत्तर अस्सी मुल्कों की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन आ चुके होने चाहिए थे अभी तक शहबाज शरीफ को शहबाज शरीफ को 10, 11, 12 कंट्रीज ने सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेट कराया वो भी कभी तुर्की ने कर दिया भारत को तो करना ही था भारत नेबर है सबसे पहले चाइना ने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट था कि जी शी जिंगपिंग थैंक यू बोल रहे हैं उनको बाय बाय गुड नाइट बोल रहे हैं ये सब इसके अलावा किसी ने कुछ नहीं करा बिकॉज करो बडी अबाउट पाकिस्तान शरीफ फ्रॉड है और एक और बात बता दू जो मेरी ये टॉक सुन के इमरान खान के चेले चपाटे पीटीआई वाले खुश हो रहे होंगे तुम्हारा इमरान खान भी इसी बैकडोर से 2018 में प्रधानमंत्री बना गया उसको भी कमर जावेद बाजवा ने बनाया ठीक है चाहे इमरान खान हो चाहे शहबाज शरीफ हो चाहे नवाज शरीफ हो ठीक है सारे के सारे पाकिस्तान में जितने भी प्रधानमंत्री बने वजी आजम सबके तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म सबसे पहले तो थैंक्स बोलना चाहूंगा पीएम मोदी साहब को क्योंकि उन्होंने हमें इस लाइक समझा कि हमारे पीएम को उन्होंने कंग्रेचुलेशन दी हालांकि मुझे नहीं लगता उनको देनी चाहिए थी किसी तौर पर नहीं देनी चाहिए थे लेकिन तो फिर भी उन्होंने बड़ा पन दिखाया उनका ये जिगरा है ये उनकी हिम्मत है कि उन्होंने हमारे मदारी को हमारे मदारी को हमारे मदारी को कंग्रेचुलेसन दी मैं इस चीज़ से शॉकड हूँ कल से मैं शौक में फिर रहा हूँ कि पीएम मोदी ब्रांड ने एक मदारी को

और ये को नहीं 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 पता पता मैं मैं बंदा कि <laughs> उसको नहीं मैं बोलने भी के उसको अपनी क्या बोलने? अच्छा, हैं। <laughs> मुद्दा से में हुई मीटिंग उसमें पाकिस्तान ने फिर कश्मीर का झंडा लहरा दिया एक तरफ इंडिया उनको अमन का दर्श दे रहा है कि बंदे बन जाओ इंसान के बच्चे बन जाओ हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि आप, आप मदारी लाकर बिठा दिया लेकिन फिर भी हम आपको मुबारकबाद देते हैं दूसरी तरफ पाकिस्तान क्या करता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान लेकर रहेंगे कश्मीर तो उन्होंने वो ही बोल ले को लेके जो वो पीछे की जबर दिया उन्होंने उन्होंने तो वो ही बोल रहे जो वो कहेंगे ये देख मदारी आप पहले कह रहे हो मदारी इसने तो यकीन करके दिखानी है बस इसने इसने छोटा होता था तो हमारे गाँव में ना एक सर्कस वाला आता था उसके पास एक बंदर होता था एक, एक आई थिंक बकरा होता था डमरू हाँ, डमरू होता था वो जो डमरू होता था जब वो घुमाता था ना मदारी वाला टुकड़ो टुकड़ होती थी जब गुड होती थी तो वो जो बंदर था नाचना शुरू कर देता था फिर जब बंद होती थी फिर रुक जाता था फिर जो उसको ऑर्डर देता था सलाम भी करता था सारी आवाम को वही वही फिर पैसे भी पकड़ता है कितनी एग्जैक्ट ही भी भी तो भाई ये वो भाई। ग्जाप, फिट होती है ना हमारे जो पी एम बनते हैं स्पेशली शुबाश शरीफ पर पैसे भी दुनिया से पकड़ना इसमें ही है क्या ना उसमें ही है मालक में जाओ उससे भीग लेकर उससे पकड़ो पकड़ो डुबू टुकड़ी जब होती है तो ये डांस करता है फिर ये नमाज शुबाशरीफ पर सब करते हैं पीएम से सुभाष शरीफ ने डुक बची सिर्फ इमरान खान ने थोड़ी सी कम कर दी थी जिसमें उनको बताया ये बंदर जो है ना ये थोड़ा सा सरकश हो गया इस बंदर को उतारो को नया बंदर लाओ उसने उन्होंने फिर हमारी कंपनी ने नया बंदर लाया अब अब यह दुकड़ी उन्होंने बचाई जो पहले चेक किया है डेढ़ डेढ़ साल छः मन्थ नहीं छः मंथ थे कि नहीं थे थे कि नौ मंथ थे डेढ़ साल रात सॉरी डेढ़ साल चेक किया सा कि यह बंदर सही ट्रेन हुआ कि नहीं हुआ उन्होंने कहा यार ये बंदर सही है यकीन कर जे वाह क्या एग्जाम्पल मेरे जी में आ रही उन्होंने कहा यह एक बंदर सही है इसको लाओ ये डुगडी पे सही डांस करता है ये झुकता भी है इस्लामिया भी करता है लोगों से पैसे भी लाकर कर मैं देता है ये लो और पाकिस्तान कंपनी ने हमारे बड़ों ने हमारे डेंटो ने लेकर आए अब डुगडुई बज रही है अब जिस तरह डुगडुई बजनी है फिर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान चाहे आगे करवा लो या फलस्तीन बनेगा इसराइल पता नहीं क्या जो मर्जी कलवा लो अब ये जो बंदर लाए हैं ना ये ट्रेन करके लाया ये सतारह महीने से ट्रेनिंग चलती रही है जो पहले सतारह महीने इनको बना कर रखा गया पीएम ये है हमारे पाकिस्तान के पीएम एम की हकीकत और ये है हमारे कश्मीर के मुद्दे की हकीकत कि ये पर नाचने वाले मन जो मदारी के बंदर और डुबी क्या है बारह डंडा जिस पर ये नाचते हैं ये हमारी है पूरी पाकिस्तान की डेमोक्रेसी है अब चाहे मुझे कोई उठा तो या कोई मसला नहीं सच नहीं बिल्कुल काम खत्म हो गया छोड़ने का वक्त छोड़ते जा रहे हैं उनका जो काम था वो तो हो oh गया वो बैठ गए उसके हाथ में माचिस दे दिए अच्छा आप लगता है UNHSC, मतलब कि कि कमे, था, आपको लगता है कि पाकिस्तान को यूएनएचसी आरसी में मतलब कि यहां के ह्यूमन राइट्स में कमेटी में ये कमीशन में ये अपना मुद्दा उठाना चाहिए था कश्मीर वाला आपको लगता है कि आप जो मर्जी कर लें नहीं कर मैं आपका पॉइंट भी लगेंगे आपको लगता है कि उठाना चाहिए था जितना इंडिया ने 14 बिलियन दिया है <laughs> सिर्फ आपका पॉइंट उठाना चाहता हूँ पाकिस्तान उठाना चाहिए था नहीं गलत किया जब इंडिया के कश्मीरी लोग उधर के जम्मू कश्मीर के लोग पर आगे आगे कुछ कुछ के की की <laughs> आप पर थूकते नहीं बल्कि आप अपने लिए थूकते आप हमें करगिल बार्डर सुनील अवाम के ऊपर की बात कभी कश्मीर जो है ना जम्मू कश्मीर वाले जो मुसलमान हैं उन्होंने कभी आप पाकिस्तानी अवाम के बारे में बुरा नहीं बोला वो जब भी बोलते हैं हमारी स्टैब्लिशमेंट हमारे सियासतदान की बात करते हैं मारे मारे बोलना छोड़ दो को चूड़न देना छोड़ दो लेकिन यार मैंने कल भी कहा था कि ये हमारी कंपनी को, को लॉलीपॉप जो है ना अब नया बनाना पड़ेगा ये लॉलीपॉप में ने वो पहले बतल, बतल ना पहले वाला जायका नहीं आ रहा अब बदल दो बदल दो नवा नया अच्छे वाला लॉलीपॉप लाओ मार्केट के अंदर ले आते तीन एक महीने तेरे भी लगेंगे ना तीन महीने तुझे भी लॉलीपॉप आ जाए मैं चाहता हूँ <laughs> कोई नया लॉलीपॉप यार लॉलीपॉप में अब जान नहीं है वो जायका नहीं है पुराना हो गया मतलब बस ये हो गया कोई नया लॉलीपॉप लाओ फिल नहीं नाही में नाटक टक्के तब तक दिसत अल्लाह